प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दूसरा परिसर को कर उद्घाटन। कया इंसू कैंसर पीड़ित गरीब लोगों ने मिलेला मदद। उच्चतम न्यायालय नीट पीजी काउंसलिंग में 27% ओबीसी आरक्षण नदी की मंजूरी। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच आज सुनायो फैसलो। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक ने कर संबोधित। अधिकारियों ने दीना योजना से जुड़िया कामकाज ने गति देवारा हुकम। देश राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कोरोना का 150 करोड़ से 32 टीका लगा रचो इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने दीना बधाई। आर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रस सक्रिय बह जावासु। कई जिला में भी थोड़ी घनी बिरखा। बिरखा से पड़ो जाड़ा रो असर। प्रदेश में हल्की से मध्यम दर्जा की बिरखा। खबरार साथ में रेखा पारी का खबर आप जगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दूसरा परिसर का उद्घाटन कराया। इन मौके पर कहा कि देश के लोगों ने चोखी स्वास्थ्य सुविधाएं देवा खातर एक कदम आगे बढ़ाया। हाँ, इन संस्थान से कैंसर पीड़ित गरीब लोगों ने मदद मिलेला। प्रधानमंत्री 150 करोड़ कोविड रोधी टीका लगावारो इतिहास रचवा माथे देशवासियों ने बधाई भी दीना है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मावड़िया भी मौजूद था। गत 7.5 वर्षों में हुआ है अभूतपूर्व काम। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश के हर हिस्से में जन जन के लिए उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए ऐतिहासिक कदम। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आज गरीब का मुफ्त इलाज हो रहा है तो हजारों जन औषधि केंद्रों से 50-90% तक सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसे कदम प्राइमरी से लेकर टर्शरी केयर के लिए मजबूत नेटवर्क बना रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए मानव संसाधन की कमी को पूरा करने पर विशेष फोकस है। देश के हर नागरिक तक उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के राष्ट्रीय संकल्पों को मजबूत करते हुए आज हमने एक और कदम बढ़ाया है। चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का यह दूसरा कैंपस पश्चिम बंगाल के अनेकों नागरिकों के लिए बड़ी सुविधा लेकर आया है। इससे विशेष रूप से उन गरीब, उन मध्यम वर्ग परिवारों को बहुत राहत मिलेगी जिनका कोई अपना कैंसर से मुकाबला कर रहा है। कैंसर से जुड़ा इलाज, इससे जुड़ी सर्जरी और थेरेपी अब कोलकाता के इस आधुनिक अस्पताल की वजह से भी और सुलभ हो जाएगी। साथियों, आज ही देश ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव को पार किया है। साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की थी। वहीं आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज, वो भी एक साल से कम समय में। ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े देशों के लिए भी ये
किसी आश्चर्य से कम नहीं है, लेकिन भारत के लिए ये 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का प्रतीक है। भारत के लिए ये एक नई इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जो असंभव को संभव करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखती है। भारत के लिए ये प्रतीक है आत्मविश्वास का, ये प्रतीक है आत्मनिर्भरता का, ये प्रतीक है आत्मगौरव का। मैं आज इस अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खतरनाक ये भेष बदलने वाला कोरोना वायरस है। आज एक बार फिर दुनिया कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना कर रही है। हमारे देश में भी इस नए वेरिएंट के कारण केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए 150 करोड़ वैक्सीन डोज का यह सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। सिर्फ 5 दिन के भीतर ही 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। ये उपलब्धि पूरे देश की है, हर सरकार की है। मैं विशेष रूप से इस उपलब्धि के लिए देश के वैज्ञानिकों का, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे हेल्थ सेक्टर से जुड़े साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उच्चतम न्यायालय नीट पीजी काउंसलिंग में 27% ओबीसी आरक्षण ने मंजूरी दे दी है। इनके अलावा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू वेला न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच आज यह आदेश देना। ईडब्ल्यूएस ऋषि में 8 लाख रुपया सालाना राखबासू जुड़िया विवाद वाले मार्च का तीसरा हफ्ता में विचार कर वाला। आपके बरस यही आय सीमा मान्य वेला, जय कोई बदलाव होवा है तो वह अगला सत्र सु लागू वेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक ने संबोधित करया। वे कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति और हर घर पीवारो साफ पानी पुगावा वास्ते जल जीवन मिशन एक महत्वजोगी योजना है। वे कहा कि मिशन के तहत प्रदेश में अभारता ने 52,647 करोड़ रुपया की मंजूरी मिल चुकी है। वे इनसे जुड़ा महकमा और एहलकारा ने इन योजना से जुड़ा कामकाज ने और गति दे बारा हुक्म देना है। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश आज दौसा जिला रा दौरा माला दिया। इन दौरान वे सिकराय विधानसभा खेतर रा भांडारेज गांव रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रा नुवा भवन रो लोकार्पण करया। इन मौके पे कहा कि कोरोना काल में सफाखाना खातर नुवो भवन पण जापासू लोगों ने घणो फायदो वेला। सिकराय विधानसभा में ऐसे कार्य करें, ठोस कार्य करें जिससे निश्चित तौर पे जनता को सीधा फायदा मिले। हॉस्पिटल्स की जो बिल्डिंग्स का रिनोवेशन है, नई विस्तार है, मैं समझती हूँ आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब कोविड और इस तरह की गंभीर बीमारियां हमारे सब तरफ आ रही है, ऐसी स्थिति में हम लोगों को हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग को और हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रेंथनिंग करनी है। उसी संदर्भ में आज यहाँ पे हमने ये उद्घाटन किया और हमारा प्रयास रहेगा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए सिकराय के अंदर मैं जल्दी मीटिंग लूँगी सारे हमारे डॉक्टर्स की अगले हफ्ते, और उस मीटिंग में जहाँ जहाँ भी जिस जिस हॉस्पिटल में प्रथम दृष्टया जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको हम अपने विधायक कोटे से पास करा के हमारी जनता को सहूलियत देने की कोशिश करेंगे।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज दोसा पुग्या। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भी चूक रहा मामला में बयान देवता थका कया कि पंजाब सरकार ने तत्काल बर्खास्त कर बठ राष्ट्रपति शासन लगा देवनो चीजे। वे कहे कि मामला में राजनीति पूरी तरह से अनुचित है। कांग्रेस नेताओं ने पंजाब सरकार का बचाव में नहीं आवनो चाहिए। कल की घटना लोकतंत्र की हत्या है। अगर प्रधानमंत्री का इस ढंग से रास्ता रोक कर कुछ घटनाएं घटित करना चाहते हैं तो ये फेडरल सिस्टम को, देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है। और कांग्रेस के बाकी के नेता, विशेषकर गहलोत साहब और दूसरे इस स्तर के नेता हैं, जो डिफेंस में ना आके उल्टा प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। और अगर कोई हादसा हो जाता तो देश की स्थिति क्या होती, कुछ अंदाज नहीं लगाया जा सकता। इसलिए उस पर सख्त कार्रवाई किया जाना बहुत आवश्यक है। भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला ने रोकया जावा माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का रिसू कर बयान वाले पलटवार कर है। वह कह कि इन भांति बेकार बयानबाजी कर जनता ने भ्रमित करवारी जुगत करी जा रही है। भारत आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 150 करोड़ से बत्ती कोविड रोधी टीका लगार इतिहास रच दिनों है। जानबा जोग है कि एक बरस से भी कम बगत में यह उपलब्धि हासिल करी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन खातर देशवासियों ने बधाई देना है। लाडला बरस 16 जनवरी से शुरू हुआ राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के पछे देश में 90% पात्र नागरिका के टीका की पहली खुराक और 65% लोगों के दूसरी खुराक रो लक्ष्य हासिल कर लियो गयो है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़तो जा रही है। काल 2656 नवा मामला साम आया है। सबू बत्ती 1439 मामला जयपुर में मिला। सक्रिय मामला की संख्या बढ़कर कुल 7268 वह गई है। सबू बत्ती 4445 मरीज जयपुर में है। राज्य में काल इन बीमारी से 404 मरीज स्वस्थ हुआ है। कोविड-19 का नवा रूप ओमिक्रोन की रोकथाम खातर जागरूकता अभियान के तहत आज जोधपुर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में बैठक रखी गई। बैठक में आए मौजूद समाज सेवी, एनजीओ रा नुमाइंदा और मीडिया रा नुमाइंदा सु एकजुट वेर प्रशासन रो सहयोग करवाने कहो गयो। इन मौके जिला कलेक्टर कहा कि मारे खास तौर से जांच रो दायरो बढ़ावारी जरूरत है, जिनसे संक्रमण फैलावा री पिछाण कर संक्रमण री कड़ी न तोड़ी जा सके। और उसी के अनुपात में जो राज्य सरकार की और जिला प्रशासन की गाइडलाइंस हम लोग लगातार जारी कर रहे हैं, उसको लेके आज जो विस्तृत विचार विमर्श यहाँ पे एनजीओस के साथ, समाजसेवी संस्थाओं के साथ, हमारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के साथ हमने लंबी विचार विमर्श किया है। कई सारी बातें जो फील्ड लेवल की हैं, कई ऐसी बातें जो हम लोग वहाँ तक पहुँचाना चाहते थे उन पर चर्चा हुई है। ज़्यादातर ज़िला प्रशासन और जोधपुर की हमारे जो सिविल सोसाइटी है, हम मिलके ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे घटकों के ऊपर काम किया जा सके जिससे कि कोविड की मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो सके। उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है वैक्सीनेशन को। अभी हम सब लोग मिलके ये प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से टीका एक सुरक्षा कवच का काम कर सकता है, उसके लिए कैसे हम लोग एक अभियान छेड़ें, आईसी हो, ना केवल प्रथम डोज और दूसरी डोज बल्कि उसके साथ साथ वो सब साथी जिनको बूस्टर डोज भी लगनी चाहिए, उन लोगों तक हम अपना संदेश कैसे पहुंचाएं। सीकर में जिला प्रशासन और पुलिस शहर नारा नारा हल्का में काफिला रसाते फ्लैग मार्च काडर लोगा में कोरोना खातर जाग जगाई। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी और पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ लोगों से मिलकर कोरोना दिशा निर्देश की पालना करवा की अपील करी।
और अब बाकी खबर इब्राहिम रचल पार्टी चाहिए पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे आइडिया यही करते हैं पार्टी पिज्जा पार्टी ये चल अपना कार्ड और पिन दे मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें बाय गर्ल्स कहां जा रही है सुना नहीं नो शेयरिंग आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जोधपुर सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का निशु हनुमानगढ़ में 3 दिना तक चल वाली नया भारत संकल्पित भारत सशक्त भारत नुमाइश काल पूरी पेगी समापन में केंद्र सरकार ने न्यारी न्यारी जन कल्याणकारी योजना वाली नुमाइश लगाएगी कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जोधपुर रा के आर सोनी नुमाइश रा ध्येय और केंद्र सरकार ने लोक कल्याणकारी योजना वाली जानकारी देना क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जोधपुर द्वारा स्थानीय राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ में मल्टीमीडिया डिजिटल एग्जीबिशन 3 दिवसीय जिसका नया भारत संकल्पित भारत सशक्त भारत का समापन समारोह है इसके अंदर अब केंद्र एवं राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेक इन इंडिया है डिजिटल इंडिया है कैशलेस स्कीम है जीएसटी है ये सारी जितनी भी स्कीम्स हैं इनको सही दिशा के अंदर युवा पीढ़ी अपनाए निर्वाचन आयोग संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की मौजूदा चुनाव खर सीमा बढ़ा दी है या आवाला सगला चुनाव में लागू वेला बड़ा राज्य में संसदीय चुनाव खर सीमा 70 लाख से बढ़ार 95 लाख रुपया करेगी है छोटा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खातर यह सीमा 54 लाख से बढ़ार 75 लाख रुपया करेगी है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव खर्च बढ़ार 95 लाख रुपया करो गयो है बड़ा राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वास्ते खर्च री सीमा 28 लाख से बढ़ार 40 लाख रुपया और छोटा राज्य में 20 लाख से बढ़ार 28 लाख रुपया करेगी है इनसे पहली बरस 2014 में चुनाव खर्च सीमा में बदलाव करे गए हो जिन्हें फेरू बदलर 2020 में 10% पढ़ाए गयो एमएनआईटी जयपुर रा मानविकी सामाजिक विज्ञान महकमा कानिसु आसो 3 दिना ताने चाल वाला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रेजिलियंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग शुरुआत करेगी सम्मेलन की चेयरपर्सन प्रोफेसर मंजू सिंह रमुजैब यह सम्मेलन 22 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रा सहयोग से रखो जा रही है इंडमा 150 से 32 शिक्षाविद और शोधकर्ता अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेला सम्मेलन रमाए 16 तकनीकी सत्र रखे जावला जो न्यारा न्यारा विषय में ज्ञान कॉन्फ्रेंस है जिसमें 21 एनआईटीज पूरे देश भर से हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं और पिछले 6-7 महीने से इस एक तरीके की बहुत ही रेलेवेंट कॉन्फ्रेंस को हमने प्लान किया है जो कि ICSSR के पार्शियली फंड से चलेगी और साथ ही साथ टोलबी और एमरल पब्लिशर हैं उन्होंने भी सहयोग किया है ये कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज की बदलती हुई परिस्थिति में विश्व में सभी लोग किस तरीके से तैयार हो सकें जिससे कि हम अपने को ट्रांजिशनल रूप में देख सकें और जितनी समस्याएँ हैं उनको हम सुलझाने की कोशिश कर सकें तो इसको इस कॉन्फ्रेंस की खासियत ये है कि इसमें 21 NIT जुड़े हुए हैं जो कि ये दूसरी ऐसी कॉन्फ्रेंस है और आगे ये कंटिन्यू होते रहेगी एनुअल इवेंट रहेगा अलग अलग NITs इसको इंडिया में ऑर्गेनाइज करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है बिकॉज जो स्कॉलर्स हैं और फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको लगा कि इसमें वो अपने व्यूज़ इस प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में शेयर कर सकते हैं तो डिफरेंट फील्ड से अलग अलग फील्ड से लोगों ने पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है और अपने व्यूज़ इसमें पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह करेंगे हमारी कॉन्फ्रेंस एक पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो को एड्रेस करती है और हमारे यहाँ पर जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से कर्टिन यूनिवर्सिटी से रशियन यूनिवर्सिटी से इवन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया सो देयर हमारे यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कि हमें एक ग्लोबल वैश्विक परिदृश्य को समझने में मदद करेगा तो इस तरीके से यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिशंस के लिए भी बहुत ही लाभकारी होगा
जयपुर ऐतिहासिक मध्यप्र वास्ते पूरा संसार में जाने जावे है। साथ ही अठे हाथ सू बनाई जा वाली चीजा भी अपना अपना घणो महत्व राखे है। यामसू ही एक है जयपुरी रजाई। मागे संवाददाता मंजू मीनारी खास रिपोर्ट। सर्दी का मौसम है, रात को ठंड पड़ती है। हम सभी ठंड से बचने के लिए रजाई और कंबल का इस्तेमाल करते हैं। रजाई की बात हो और जयपुरी रजाई की चर्चा न हो, ये कैसे हो सकता है? जयपुरी रजाई 100 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। अपनी कोमलता हल्केपन के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। जयपुर में आने वाले पर्यटक यहाँ से जयपुरी रजाइयाँ लेकर जाते हैं और उसे संजो कर रखते हैं। आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि जयपुरी रजाई आखिर बनती कैसे है, आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है कि वो ठंड के मौसम में भी इतनी हल्की होने के बावजूद गर्माहट देती है। विश्व प्रसिद्ध जयपुरी रजाई का अपना खास महत्व है। विभिन्न रंगों में उपलब्ध जयपुरी रजाई सर्दी के मौसम में आम जन को गर्माहट देकर राहत प्रदान करती है। बाजार में 250 ग्राम से लेकर 2.5 किलो रुई तक की रजाई उपलब्ध है। कॉटन और शनील के कपड़े पर सांगानेरी, बगरू और मुगल प्रिंट से सजी ये जयपुरी रजाई देखने में जितनी सुंदर और आकर्षक लगती हैं, उतनी ही हल्की और मुलायम होती हैं। सर्दी के मौसम में ये गर्माहट प्रदान करती हैं। इसे सफर के दौरान आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। कम रुई में ज़्यादा गर्माहट देती है और इसमें रुई का पन्नाई का और तगाई का फर्क होता है। और इसमें क्या होता है कि प्रसिद्ध होने का कारण यही है। और हमारे पास कॉटन की, बेलबेट की और शलनील की, सिल्क की, ये हम बनाते हैं। जयपुर घूमने आने वाले देशी विदेशी पर्यटक अपने साथ जयपुरी रजाई ले जाना नहीं भूलते। देश ही नहीं विदेशों में भी जयपुरी रजाई की भारी मांग रहती है। रजाई भी जो है यहाँ पे जो मैंने देखी है मुझे बहुत पसंद आई है। पहले जो है शनील की चलती थी, हम लोग जब बचपन में छोटे थे तब भी हम लोगों ने जयपुरी यूज करी है, लेकिन अब जो है डिफरेंट स्टाइल की आ गई है, कॉटन की आ गई है। उस टाइम में नहीं था कॉटन के, तो अब जो है नई थी तो हमने कहा चलो कॉटन की रजाई लेने के लिए स्पेशली हम लोग जयपुर आए। रजाई बहुत पतली है, हल्की है, मशीन वॉशेबल है और हैंडमेड है, सबसे बड़ी बात, और हल्की है, उठाने में कोई दिक्कत नहीं आई। बच्चे, छोटा बच्चा भी इसको उठा सकता है, इसीलिए हम आए थे। हमने स्पेशली जयपुर, हम इसीलिए आज रुके हैं ताकि हम जयपुरी रजाई यहाँ से लेके ही जाए। जयपुरी रजाई बनाने वाले मंसूरी समाज के कारीगर जयपुर के राजघराने द्वारा यहाँ बसाए गए थे और वर्षों से रजाई बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये इनका पुश्तैनी काम है। हमारा काम 100 साल से है, मेरे परदादा, दादा, फिर फादर, फिर मैं, और अब आने वाली पीढ़ी तो भी क्या पता, लेकिन फिलहाल तो अभी चल रहा है 100 साल से हमारा ये काम। तो इसकी रुई होती है गंगानगर की, वो होती है देसी रुई, फिर उसके बाद में होती है इसकी कारीगरी भरने की। जब वो भरती है तो उसमें क्या होता है, कहीं पर भी जरा सा भी छेद रह जाता है, जैसे मान लो खुला रह गया भरते टाइम, तो वहाँ से हवा पास होगी तो वो सर्दी लगेगी। तो इसकी मेन कारीगरी होती है भराई, वो मेन कारीगरी है इसकी, तो इसलिए वो गर्म होती है। घर की महिलाएं भी रजाई बनाने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ महिला कारीगर परिवार के भरण पोषण के लिए इसे एक व्यवसाय के रूप में भी अपना रही हैं। टीडी न्यूज के लिए जयपुर से मंजू मीना की रिपोर्ट। झुंझुनूरा नवलगढ़ उपखंड रा बाय गामरा रेडिया स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर चौधरी रो काल निधन वे गयो। राजकीय सम्मान रजत है बारा पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दियो गयो। जिला कलेक्टर उमरदीन खान, पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा समेत घना जना पुष्पांजलि अर्पित करया। स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर सिंह जी, उनका 102 साल से अधिक उम्र तक दिए हैं और आज उनका
जो लोग हुआ है स्वर्ण सिंगारे हैं, इस पर राज के सम्मान के साथ इनका दाह संस्कार किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से मैं यहाँ पर पुस्तक उनको अर्पित करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को सांत्वना दे। राष्ट्रीय कवि राइटवेद महकमा रा सेवानिवृत्त उप निदेशक रमेश उपाध्याय बासुरी रा निधन सु साहित्य जगत में शोक री लहर है। साहित्यकार सुरेंद्र सार्थक, योगेश वशिष्ठ, प्रणवेंद्र पंडित, कुकुल दिवाकर, दीपक चंदवानी और मंजू चौधरी समेत कई साहित्यकार और कवि वारा निधन वाले गहरो दुख जताया है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण लाडला दो दिना सु वैरी बिरखा और शीतलहर सु जनजीवन माथा असर वैरियो है। प्रदेश का पश्चिमी जिला में आंसू एक और फेरु बिरखा रो दौर शुरू वैग्यो है। इंडे कारण दिन रा बत्तियों बत्ती तापमान में भी 560 डिग्री ताने दी गिरावट दर्ज करी गई है। मौसम महकमा रा निदेशक राधेश्याम शर्मा रा मुजब नुवा पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर संभाग में भी बूंदाबांदी वह सके है। पिछले दो तीन दिनों से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आज समाप्त हो रहा है। वहीं एक और नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के ऊपर आज सुबह से ही पश्चिमी राजस्थान में सक्रिय हो चुका है। इस सिस्टम के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी स्थानों पर फिलहाल बारिश का दौर जारी है। आज 7 जनवरी और 8 जनवरी को इस नए सिस्टम का प्रभाव लगभग राजस्थान के ज़्यादातर भागों में रहेगा। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के कुछ एक इलाकों में मेघ गर्जन के साथ एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। लगातार बने हुए सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिन का अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस औसत से नीचे दर्ज किया जा रहा है। तापमान में अगले 48 घंटों तक विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पश्चिमी राजस्थान से यदि बात करें तो 9 जनवरी से धीरे धीरे समाप्त होगा। वहीं पूर्वी राजस्थान से इस सिस्टम का असर 10 जनवरी से समाप्त होगा। तो कुल मिलाकर अभी भी अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा और 10 जनवरी के बाद राजस्थान में एक बार फिर से मौसम शुष्क रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दूसरा परिसर को करया उद्घाटन। कयायन सु कैंसर पीड़ित गरीब लोगों ने मिलेला मदद। उच्चतम न्यायालय नीट पीजी काउंसलिंग में 27% ओबीसी आरक्षण न देनी मंजूरी। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच आज सुनायो फैसलो। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक ने कर संबोधित। अधिकारियों ने दीना योजना से जुड़ा कामकाज ने गति दे बारा हुकम। देश राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कोरोना 150 करोड़ से 32 टीका लगा रचो इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने दीना बधाई। हर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय वह जावासु। कई जिला में भी थोड़ी घनी बिरखा, बिरखा से बढ़ो जाड़ा रो असर। इंड साथ ये खबर आठ पूरी सा। नमस्कार।